मनु मनु तुम इसे मत छूना। क्यों? तुम्हारे छूने से तुम्हारा भी शीघ्र विवाह हो जाएगा। अरे तुमने अपना हाथ पीछे क्यों ले लिया? मैं तो यही चाहती हूँ इसके साथ साथ तुम्हारा विवाह भी जल्दी हो जाए। ये क्या आई साहब? मैं अभी विवाह नहीं करूंगी। अरे कैसे नहीं करेगी? इंदु की विदाई हो जाने दे, फिर तेरी बारी। देखा, तुमने अपने हाथों से हल्दी लगा ली। अब तो मनोदीत का भी विवाह हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा। मेरा कब होगा? तुम वहां खड़ी होकर क्या देख रही हो? ये हल्दी वर के पास ले जाओ। जी। वहाँ पे भी यही हल्दी लगेगी? हाँ बेटा, यही हल्दी लगेगी। इसी से ही तो वर वधु दोनों एक ही रंग में रंग जाएंगे। हल्दी नहीं आई अभी तक? पेशवा महाराज क्या? आज तक कोई भी काम देर में नहीं हुआ। लीजिए, वो आ गई हल्दी। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे आखेट में रुचि नहीं। एक राजा होकर आखेट में रुचि नहीं, हम तो एक भी अवसर। क्या बात है, देखा आपने, बातें से सांझ हुई नहीं, गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि शीघ्र ही आपके घर में भी लक्ष्मी आने वाली। झांसी की होने वाली मलिका है। ये झांसी की होने वाली मलिका है, लेकिन अभी तक तो वो मनु श्वेतांबरा झांसी की होने वाली मलिका थी, तो फिर ये कौन है और इन्हें हमारे खापगा में कौन लाया? इसे हम लाए। क्या? तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहते। तो हमें आप ये एहसास दिलाना चाहती हैं कि आप हमारे ख्वाबों और ख्वाहिशों से पूरी तरह वाकिफ? मोतीबाई, औरत बादशाह की सोबत में आने के बाद मलिका बनने का ख्वाब ना देखे, ये नामुमकिन। किसी शहनशाह की आगोश में एक शब बिताने वाली कनीज भी
उस रात की मलिका होती है। लेकिन आप ये सब कुछ हमें क्यों बता रहे हैं? हम बता नहीं रहे, हम तो सिर्फ फफोले फोड़ रहे, क्योंकि हमारे जिस्म के हर हिस्से पर तवाए फ्लफ किलो की तरह ठोक दिया गया है। तो फिर तुम्हें कोई क्यों बख्शेगा? लच्छा साहिबा, आप में और हम में बहुत फर्क है। आप सारी दुनिया से ये कहती फिरती हैं कि एक ऐसे कोड़ी बादशाह के साथ आपने रिश्ता कायम करके बहुत बड़ी कुर्बानी दी, जिसकी अपनी बेगम भी उन्हें अपने करीब नहीं भटकने देती। लेकिन सच बात तो ये है कि आपने अपनी होने वाली औलाद के लिए तख्त और ताज तक पहुंचाने के लिए बनाया था। इसमें रघुनाथ राव का क्या कसूर? ये कुर्बानी नहीं, लालच की इम्तिहान है। मोती बाई, हम तो सिर्फ तुम्हें बस कीजिए लच्छो साहिबा, अब आप कुछ नहीं कहेंगी, सिर्फ सुनेंगी। हमारा और महाराजा गंगाधर राव का रिश्ता आप कभी नहीं समझ सकते। हम उनसे मोहब्बत करते हैं। आप शायद इस लफ्ज से अनजान होंगी, क्योंकि मोहब्बत जिस्म से नहीं दिल से की जाती, और इश्क में ख्वाहिश नहीं इबादत होती है, सिर्फ इबादत। ऐसी भी क्या इबादत जो तुम्हारे खुदा तक ना पहुंच सके और दिल की दीवारों पर सर पटक पटक कर दम तोड़ दे। चढ़ाई जाने वाली थी ना? हाँ, इसकी बड़ी चढ़ाई जाने वाली थी, परंतु महाराज को पता नहीं क्या हो गया, कैसे इस बटोहे की गर्दन पर वार होने वाला था कि अचानक महाराज ने वार रोक लिया। इसके गले में घंटी बांधो, अब इसकी बलि कभी नहीं दी जाएगी। आदेश है। मम्मी दीदी, हम तो राजा को बुरा समझते थे, परंतु उन्होंने हमारी बिटोई का छोड़ दिया। हाँ प्राची, पर हमने बहुत गलत किया। क्या? के घोड़े दीदी वो, उनको तो गिर के चोट लग गई होगी ना? प्राची, हो सकता है वो अभी तक गए ना हो, हम उन्हें जाकर बता दें। मनु प्राची, चलो, आई साहब ने बुलाया है। चलो, चलो,